हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और नए कोरियन ड्रामा को जिसका नाम है माई लवली लायर, जो कि एक रोमांस कॉमेडी और मिस्ट्री ड्रामा है। एपिसोड की शुरुआत होती है 2018 की एक रात से, जहाँ एक गैंग के बॉस ने 3 लोगों को बिल्डिंग से लटका रखा था। वो उनसे पूछता है, तुम में से किसने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की है? पर वो सभी कह रहे होते हैं, हमने ऐसे नहीं करा। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे ड्रामा की फीमेल लीड की, जिसका नाम सोल ही होता है। तो वो उनसे पूछती है, क्या वो तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? जिसे सुनकर बॉस हंसकर कहता है, बच्ची क्या तुम सच में लायर हंटर हो? तो सोली हाँ कहकर उसे अपना कार्ड देती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि सोली के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो किसी की आवाज़ सुनकर बता सकती है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। बॉस उसके बारे में कंफर्म करने के बाद उसे उन 3 लोगों से पूछने के लिए कहता है। सोली उन 3 से पूछती है, क्या तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लीक की थी? पर वो सब एक ही जवाब दे रहे थे कि हमने ये नहीं किया है। सोली को अपनी एबिलिटी से पता चल जाता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं, जिसके बाद वो बॉस को कहती है, ये सब बेकसूर है। तभी जिस आदमी के पैर पर चोट लगी थी वो कहने लगता है, तुम लोग इस बच्ची की बात पर कैसे यकीन कर सकते हो? तो सोली उससे पूछती है, क्या वो तुम थे जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की थी? ये सुनकर उसका बॉस उसे जवाब देने के लिए कहता है। वो कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी सोली को पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, और वो उन्हें बताती है कि इसी ने ही इन्फॉर्मेशन लीक की थी, साथ ही इसके पैर में कोई भी चोट नहीं है। तभी वो देखते हैं वो सिर्फ नाटक कर रहा था, जिसके बाद सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। बॉस सोली को उसके काम के पैसे देता है, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से चले जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जिसने सेम उसी की जैसी जर्सी पहनी थी, और अपने जैसे फुटबॉल फैन को देखकर वो खुश होने लगती है। हमें उस लड़की का फेस नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसके पास एक शर्ट होती है जो कि खून से लथपथ थी। अगले दिन जब वो होटल से बाहर निकलती है, तभी उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ती है जिसका उसने कल झूठ पकड़ा था। वो उसे देखकर कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद सोली वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। काफ़ी देर भागने के बाद वो जैसे तैसे करके बस स्टैंड पहुँचती है और सियोल का टिकट लेकर एक बस में जाकर छुप जाती है। तभी बस में हम अपने मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम किम दोहा होता है, जो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है, तुमने मेरी बहन को चीट किया है, वो कहीं भाग गई है, तुम मेरे साथ चलो। किम उसे कहता है, मैंने उसे चीट नहीं किया है, और वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये बात सुनते ही वो उसे मारने लगता है। तभी सोली विंडो से देखती है वो आदमी इसी तरफ आ रहा है, जिसके बाद वो उस आदमी को कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से बस नहीं चल पा रही है। वो आदमी कहने लगता है, कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? जिसके बाद सोली कहती है, हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अब तुम यहाँ से बाहर निकलो। वो उसे धक्के मारकर दरवाजा बंद कर देती है, फिर बस भी वहाँ से निकल जाती है। बस में किम उसे ही देख रहा था, तो सोली उसे कहती है, मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, पर अगर तुम इनोसेंट थे तो तुम्हें उसे मारना चाहिए था, इससे लग रहा था कि तुमने सच में चीट किया है। किम कहता है, तुम्हें क्या ही पता है? जिस पर सोली उसे अपना कार्ड देकर कहती है, मैं एक लायर हंटर हूँ। लेकिन किम इस पर कुछ नहीं कहता और दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद का, जहां हम देखते हैं सोली एक क्लाइंट से मिलने आई थी उसकी कजिन बनकर। असल में जी हाई अपने बॉयफ्रेंड जीवन के बारे में जानना चाहती थी कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है या फिर उसके पैसों के पीछे है। सोली उससे कई सारे सवाल पूछती है और जी उन झूठ बोलता रहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मेड आती है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। जीवन उसे कहता है, हम इससे पहले कभी नहीं मिले हैं, पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी सोली को पता चल जाता है कि वो उससे पहले से जानता था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो मेट प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जीवन का है। जीवन उससे माफी मांगने लगता है, पर वो उसे माफ नहीं करती। अपना काम निपटाने के बाद सोली वहां से चली जाती है। वापिस जाते समय उसका असिस्टेंट उससे पूछता है, तुम इतने सारे पैसे सेव करके क्या करने वाली हो? तो वो कहती है, मुझे लग्जरियस लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है,
बस मैं सच बताकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, पर उसे सोली की बात पर विश्वास नहीं होता। और हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सोली को अपनी एबिलिटी कैसे मिली। जब सोली की मॉम प्रेग्नेंट थी, वो लोग काफी गरीब हुआ करते थे, जिस वजह से उसकी मॉम हर रिलीजियस प्लेस में जाकर यही प्रार्थना करती थी कि मेरी बेबी को कोई स्पेशल एबिलिटी मिले जिससे कि वो लाइफ में काफी अच्छे से जी सके। आखिरकार भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और सोली को झूठ पकड़ने की एबिलिटी मिल जाती है। सोली की मॉम चाहती थी कि वो एक प्रोसिक्यूटर बने, पर स्कूल में जब उसकी फ्रेंड उससे कुछ पता करने के लिए कहती है तो वो उसके बदले पैसे देने का वादा करती है, और उसे तब एहसास होता है कि वो अपनी इस एबिलिटी के बदले में आसानी से ज़्यादा पैसे कमा सकती है। इसी वजह से उसने एक कैफे ओपन किया था जहाँ उसके पास कुछ क्लाइंट आने लगे। स्टार्टिंग में वो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे, जिसके बाद उसने शामन बनने का दिखावा किया जो कि झूठ को पकड़ सकती है। हालांकि वो सिर्फ झूठ को तब पकड़ सकती है जब वो खुद उनके पास जाकर सुने। इसी वजह से उसे अपने क्लाइंट के पास जाना पड़ता था और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पड़ते थे। फिर प्रेजेंट में असिस्टेंट उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ अवार्ड शो में चलोगी? वह किम भी आने वाला है। वो पूछती है ये किम कौन है, तो वो बताता है कि वो एक सॉन्ग राइटर है जो कि स्पेशली सायन के साथ ही काम करता है, पर तुम्हें पता है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि वो कैसे दिखता है। यहाँ तक कि वो ऑनलाइन मीटिंग में भी अपना फेस छुपा कर रखता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किम ने अपना फेस ढक रखा था। वो कहीं जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में ट्रैफिक पुलिस रोक देते हैं और उसे अल्कोहल टेस्ट के लिए कहते हैं। वो मास्क उतारने के लिए काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी पुलिस को टक्कर मारकर भाग जाती है, जिसकी वजह से वो सभी उस गाड़ी का पीछा करते हैं और किम वहाँ से जल्दी निकलकर घर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अवार्ड शो चल रहा था जहाँ पर सायन की परफॉर्मेंस चल रही थी। परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पर बेस्ट कंपोजर का अवार्ड किम को मिलता है, पर वो वहाँ नहीं था तो सायन उसके बदले अवार्ड रिसीव करती है। फिर उसके बाद पार्टी में सभी लोग यही बात कर रहे थे कि आखिर वो ऐसे छुपकर क्यों रहता है। वो सायन से इस बारे में पूछते हैं, पर सायन कहती है मेरी उससे सिर्फ ईमेल और कॉल पर ही बात होती है, पर मैं एक बात कह सकती हूँ, उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। उसके बाद वो फिर ड्यूक चैन जो कि उसकी एजेंसी का सीईओ था उसको कहती है मैं घर जा रही हूँ, और वहाँ से निकलते वक्त कुछ रिपोर्टर्स किम का पता करने के लिए उसका पीछा करते हैं। वहीं हम किम को देखते हैं जो कि घर में बैठकर कुछ लोगों की ऑनलाइन क्लास ले रहा था और उन्हें वायलिन बजाना सिखा रहा था। वहाँ पर हमें एक टेबल पर तीन लोगों की फोटो भी दिखती है। उसके बाद वो अपने बारे में अफवाह पढ़कर हंसने लगता है। इतने में वहाँ सायन उसके घर आती है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे साथ ड्यूक चैन भी है, तो वो हाँ कहती है। ये सुनकर किम दरवाजा खोल देता है। जब वो अंदर आती है तो देखता है उसके साथ कोई नहीं था। वो कहने लगती है अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम मुझे अंदर नहीं आने देते। वो फिर उसे उसका अवार्ड देती है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। हम देखते हैं साइन उसे पसंद करती थी, पर किम उसे पसंद नहीं करता था और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जब वो वापिस जाने लगती है तो रिपोर्टर उसे एक ट्रॉफी के साथ देखते हैं, तभी उसकी जैकेट नीचे गिर जाती है और वो लोग उसकी तस्वीर लेने लगते हैं। वहीं हम किम को देखते हैं जो कि कुछ दवाई लेकर सो रहा था, तभी उसे एक बुरा सपना आता है जहां वो किसी लड़की के साथ बीच में था। वो देखता है उसके हाथ में खून लगा था, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसकी आँख खुल जाती है। अगले दिन सोले की टैरो दुकान पर एक क्लाइंट आती है, जिसके बाद कैसेंड्रा उनको वेलकम करके उसे सोली से मिलने के लिए भेजती है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा था। द्यूकचिन उसे घर ना जाने के लिए कह रहा था, पर वो उसका मैसेज नहीं देख पाता और देखता है कि उसके घर के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स थे। पार्किंग से निकलते वक्त एक रिपोर्टर उसे नाम से बुलाता है। जैसे ही किम पीछे देखता है वो रिपोर्टर समझ जाता है कि ये ही किम है और वो उसकी तस्वीर लेने लगता है। जैसे ही किम कैमरे का फ्लैश देखता है उसे अपनी पिछली मेमोरी याद आती है जहाँ पर उसे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने घेरा हुआ था और उस पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे थे, और इसी वजह से किम अपना मास्क नहीं उतारता था। वो जैसे तैसे करके वहाँ से अपने रूम में चले जाता है।
थोड़ी देर बाद वहाँ दियोक चैन भी आ जाता है और उसे बताता है कि ये न्यूज़ फैल गई है कि तुम और सायन डेट कर रहे हैं। किम को सायन की फिक्र हो रही थी तो दियोक चैन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम मेरे इस घर में रहने चले जाओ। पास में जो हुआ था उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए वहाँ जाओ और बिना मास्क के अच्छे से रहो। हम देखते हैं वो उसकी बात मान लेता है और एक रात मास्क पहनकर वो एक स्टोर में जाता है। हम वहाँ सोली को भी देखते हैं। वो जब किम को मास्क में देखती है उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें लिखा था ये मास्क वाला आदमी एक रेपिस्ट है। बदकिस्मती से किम ने भी रेपिस्ट की तरह काले कपड़े पहने थे। बस ये पढ़ने की देर थी, सोली वहाँ से भागने लगती है। सोली जब घर जा रही थी तो उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे देखती है वो तुरंत भागकर अपने बिल्डिंग में चली जाती है। वो आदमी भी उसका पीछा करता है पर तब तक वो अंदर जा चुकी थी। हम देखते हैं उस मास्क वाले आदमी ने सभी लोगों को परेशान कर रखा था, उसकी वजह से पूरे सोसाइटी के लोग काफी परेशान थे। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि कल के इंसिडेंट के बारे में कैसेंड्रा को बताती है। ये सुनकर वो उसे एक प्रोटेक्शन चार्म देती है। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें बताया था कि आज सभी शॉपकीपर की मीटिंग होने वाली है। उसका वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था पर वो जबरदस्ती शाम को वहाँ चली जाती है। वो वहाँ पर उसी रेबिस के बारे में भी बात करते हैं। वही हम कैसेंड्रा को देखते हैं जो कि शॉप बंद कर रही होती है। तभी पीछे से आकर वो रेपिस्ट उसे पकड़ लेता है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगती है, आगे जाकर वो गिर जाती है। जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है वो उस पर पेपर स्प्रे कर देती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वो आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ वो सभी भी सुन लेते हैं, जिसके बाद वो तुरंत उसके पास पहुँचते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो रेपिस्ट ब्लैक हुड और मास्क में है, जिसके बाद वो सभी उस रेपिस्ट को ढूंढने लगते हैं। किम भी उसी टाइम वहाँ से गुजर रहा था। तभी सोसाइटी के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी उसे रेपिस्ट कहने लगते हैं। किम कहता है मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। वो उसका मास्क हटाने ही वाले थे कि तभी सोली उन्हें रोक देती है और कहती है ये सच बोल रहा है, कल्प्रिट कोई और ही है। वो पूछते हैं तुम्हें ये बात कैसे पता, तो सोली कहती है अगर मैंने कहा है तो ये सच है। ये सुनते ही किम को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कि उसे 5 साल पहले बस में मिली थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।